से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टेक एलसीक में। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपके लिए एक ऐसी कमाल की एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ। अगर फ्रेंड्स आप भी एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन आपके लिए भगवान से कम नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। तो फ्रेंड्स वो कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या सेटअप करना है, यूज कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि जो कुछ मैं आपको समझा वो आपको प्रॉपर रूप से अच्छे समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको लाइक के बटन दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स इस लाइक के बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहे उसको प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके यहाँ पे ऑल बटन ने प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिंपली से लिख देना है सीक्रेट एप्स फॉर एंड्रॉइड। तो फ्रेंड्स इतना लिख के आपको सेंड कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल प्रेस करना है, टाइटल प्रेस करते हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, यहाँ पे डाउनलोड एप्स का ऑप्शन आ जाएगा, उसके नीचे एक एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी जहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे कुछ इस टाइप से एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले दिखाई दे देता है रिसेंट एप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई देता है एप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एप्स को भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एप्स में जाएंगे तो फ्रेंड्स अभी देखिए आपके रिसेंट एप्स कितना यूज किए हैं यहाँ पे वो बता देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम भी बता देगा कि आपने किस किस टाइम पे यूज किया। उसके बाद एप्लीकेशन का साइज भी यहीं से आपको बता देगा। साइज में आपको थोड़ा सा वेट लेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा कलेक्ट करता है। अब आपके मोबाइल में जितने भी एप्स हैं सारे की साइज यहाँ पे आपको दिखा देगा और यहाँ से आपको जो लगता कि आपके किसी काम का नहीं है तो फ्रेंड्स यहां से आप डायरेक्ट इसी को डिलीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपके मोबाइल में कौन से एप्स कितना डाटा लिया है तो यहाँ से आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आप डाटा के ऊपर प्रेस करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आप मोबाइल या कि वाईफाई यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कितना डाटा लिया है, यहाँ से आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको डिटेक्टर का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप डिटेक्टर के ऑप्शन में जाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको सारे एप्स दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स कौन सा एप्स कितने टाइम पहले यूज किया था ये सब चीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से एप्स में कितना ऐड आया है, ये भी आप देख सकते हैं इसी एप्लीकेशन के मदद से। यहाँ पे आप देखिए इंक्लूड एप्स का ऑप्शन, ऐड का ऑप्शन आ जाता है। तो फ्रेंड्स कौन से एप्स में कितना डाटा लगा है यहाँ पे आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स कौन सा एप्स बैकग्राउंड में चल रहा है यहाँ पे आप उसको भी सेलेक्ट करके यहीं से आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे खास बात यहाँ पे आपको हिडन एप्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपके मोबाइल में जितने भी हिडन एप्स हैं सारे आपको यहीं पे दिखाई दे देंगे। और फ्रेंड्स डेंजरस एप्स भी यहाँ पे आपको डेंजरस एप्स के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल में जितने भी डेंजरस एप्स में आपने जो जो परमिशन दिया है यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे आप उसको डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस टाइप से इसको जाके डायरेक्ट यहीं से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही कमाल का बहुत ही शानदार सा एप्लीकेशन है, एक बार जरूर से ट्राई करके देखिए, ये एप्लीकेशन आपको 100% से पसंद आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।